भाइयों बहनों, आज मैं जब इस चुनाव में आया हूं तो मैं जरूर एक बात कहना चाहता हूं। इस बार मैं प्रयागराज कुंभ में स्नान करने के लिए आया था। ये मेरा सौभाग्य रहा है, मुझे कई बार अर्ध कुंभ हो, पूर्ण कुंभ हो, आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। लेकिन एक बार पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, ये कुंभ के मेले में आए थे। मैं जो आज बात बता रहा हूं, उस खबर को पांच पांच छह छह दशक से दबा दिया गया है, छिपाया गया है। इतना ही नहीं, असंवेदनशीलता सीमा पार की गई है। भाइयों बहनों, पंडित नेहरू आए थे तब तो मेला इतना बड़ा नहीं होता था, उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, पंचायत से पार्लियामेंट तक अकेले कांग्रेस वाले थे और पार्टियों का तो नामो निशान नहीं था, कई पार्टियां तो पैदा भी नहीं हुई थी। मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, ये खबर सुन के आज आपको भी धक्का लगेगा। पंडित नेहरू जब आए थे, अव्यवस्था के कारण यहां भगदड़ मच गई थी। कुंभ के मेले में हजारों लोग मारे गए थे, कुचल करके मारे गए थे, लेकिन सरकार की इज्जत बचाने के लिए पंडित नेहरू पर कोई दोष न मर जाए, दाग न लग जाए, इसलिए उस समय के मीडिया ने भी ये चीजें दिखाने की बहादुरी नहीं दिखाई। एकाध दो अखबार के कोने में खबर छपी, उसे भी दबा दिया गया। उन परिवारों जिन्होंने अपना स्वजन खोया था, उसके नामों का कहीं जिक्र नहीं होने दिया, एक रुपया उनको दिया नहीं दिया गया। भाइयों बहनों, एक ये सिर्फ भगदड़ नहीं थी, भगदड़ के बाद जो हुआ वो असंवेदनशीलता का एक जुल्म था। भाइयों बहनों, ऐसा पाप देश के पहले प्रधानमंत्री के काल में हुआ है। और इस बार का कुंभ का मेला देखिए, करोड़ों लोग आए, प्रधानमंत्री खुद भी आए, लेकिन कोई भगदड़ नहीं हुई, कोई मरा नहीं।